कार जन आवास के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं उनका परिचय यह कह के दूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में हैं सबसे विशिष्ट आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश उत्तराखंड के उपाध्यक्ष श्री ज्योत सिंह बिष्ट बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी धन्यवाद सर सबसे पहले आपसे प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपके जीवन में ऐसी क्या मोड़ आए ऐसे क्या घटनाक्रम आए जो आपका जीवन राजनीति की तरफ चला गया आपका जीवन का प्रभाव राजनीति की ओर हो गया देखिए मैं जिस परिवार में पैदा हुआ तो गांव में हम रिश्ते में तो सबसे छोटे थे लेकिन जो बड़े भाई का परिवार है धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में रिश्ते छोटे होते चले जाते हैं लेकिन परिवार के जो मेरे बुजुर्ग थे मेरे दादाजी मेरे पिताजी तो वो गांव में लगभग गार्जियन की भूमिका में रहते थे तो एक तो वो जो अनुवंशिक गुण था उसके अलावा मेरे दादाजी प्रधान रहे मेरे पिताजी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रहे लेकिन उसके साथ साथ गांव में पिताजी किसी पद पर न रह करके गांव के रास्ते नहरें हौज ये सब कामों को करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे, थे। और बचपन में हमने उन सब चीज़ों को देखा उसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने हमको जीवन में अच्छा खाना अच्छा पहनने के साथ मेहनत का बनाया काम से कभी हम जी नहीं चुरा सके उनके सामने और वो हमारी जीवन भर आदत में शामिल हो गया तो एक तो ये बात थी कि कर्मठता आई लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद मैं लगभग छः साल ग्यारह महीने भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवारत रहा और उसके बाद जब मैं वापस अपने गांव आया ये सोच करके कि इससे कुछ बेहतर करूंगा तो इरादा था पासपोर्ट बना हुआ था विदेश जाकर के कुछ ज़्यादा पैसे कमा करके अपनी आर्थिक स्थिति परिवार के लेकिन इसी बीच में एक घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ कि जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि पैसा महत्वपूर्ण है या जिन माता पिता ने हमको जन्म दे करके किसी लायक बनाया उनकी सेवा उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है नवंबर उन्नीस में दीपावली में हमारे गांव में शराब पी करके कुछ लोगों ने हृदंग मचाया और उस हृदंग के बाद जो बलराज होता है उस दिन गांव के नौजवानों ने एक बैठक की उस बैठक में जिक्र हुआ कि यहाँ पर कोई शराब नहीं बनाएगा गांव में शराब नहीं बेचेगा मैंने पूछा भाई कोई बनाता बेचता बोला नहीं तो मैंने कहा ये पी कर के कहाँ से आते हैं तो छाम जो हमारा ग्रामीण कस्बा था वहाँ पर बात आई तो वहाँ जा कर के हमने सारे दुकानदारों से आग्रह किया कि शराब बनाना बेचना बंद करिए लोग हम पर हंस रहे थे लोगों ने मजाक समझा दूसरे दिन कुछ दुकानदारों ने कहा कि हम देखते हैं कैसे शराब बंद करते हैं अगर ये मिलिट्री वालों की शराब बंद करा देंगे तो फिर शराब जो है हम भी बंद कर देंगे संयोग ऐसा हुआ कि एक घटनाक्रम में एक मिलिट्री वाले को जब मैंने शराब बेचने से रोका था उसने जिस ढंग सेबद्धता की मैं भी फौज से ताज़ा ताज़ा निकला हुआ आया था और मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसकी पिटाई कर दी और उस पिटाई का परिणाम था कि लोगों को ये लगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है तो उसके बाद जो क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियाँ थी उनमें मेरी भागीदारी होनी शुरू हुई और वही रास्ता मुझे राजनीति की तरफ ले गया उन्नीस चौरासी के जो विधानसभा के चुनाव हुए लोकेंद्र दत्त सकलानी जो टिहरी जिले से उस समय विधायक बने तो उनका चुनाव कार्य छाम बाजार में खुला और मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई और उसके साथ साथ मुझे युवक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष थौलधार ब्लॉक का बनाया गया मैंने अपना काम ठीक ढंग से किया लोगों से बातचीत लोगों से संपर्क बनाना इलाके को जानना कांग्रेस की रीति नीति को समझना तो उन्नीस में मुझे फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया तो वहाँ से एक जिम्मेदार पद पर आने के बाद फिर उननबे का विधानसभा चुनाव इक्यानबे का नब्बे का एम चुना का चुनाव इक्यानबे का लोकसभा विधानसभा का चुनाव चुना, उन सब से जुड़ते, जुड़ते जुड़ते और मैं इस रास्ते पर चल पड़ा परंतु जैसे आप कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए आपने प्रयास किए और जनता के मन में एक भावना आ गई कि आप इलाके में एक हीरो की तरह बन गए कि भाई आप सामाजिक मुद्दों को उठाने लगे और राजनीति की तरफ सक्रिय हो गए लेकिन मैं आपसे आपके जो 2012 का समय था कांग्रेस के लिए उस उस जगह पे आऊँगा कि जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दो के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में थी और दो में जब आपका टेन्यूअर ख़त्म हो गया बारह से सत्रह में और सत्रह में चुनाव हुए तो पार्टी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी दोनों हार गए क्या कारण आप मानते हैं आप हर पल उनके साथ थे क्या रीजन मानते हैं नहीं निश्चित रूप से विवेचना का विषय है कि हम बारह में सत्ता में आए सत्रह में जब चुनाव हुआ तो हमारी आज जो ग्यारह सीटें हैं इस पर बात कांग्रेस के आ, बड़े स्तर पर भी होनी चाहिए और बातचीत में भी रहना चाहिए निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी असल में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए आपको याद होगा कि विजय बहुगुणा जी जो आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और तेरह में जो आपदा आई तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो है उनको लगा कि बोगुना जी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं आपदा प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें फरवरी दो में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व तो दिया गया उन्होंने जिस तरीके से काम शुरू किया वो अपने आप में अलग तरीके का वो था और लोगों को बड़ी उम्मीद जगी और कामों की उलझन के साथ साथ जो दूसरी उस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी पूर्ण बहुमत न होना हमको सात जो निर्दलीय विधायक थे जो पीडीएफ डी गुट जो बना हुआ था जिसमें तीन बसपा के विधायक भी, भी थे और चार निर्दलीय थे उनका जो समर्थन था तो उस समर्थन के साथ उनका जो दबाव सरकार पर रहता था और उसके बाद धीरे धीरे चुनाव जीतने के चक्कर में जो हमारे विधायक थे उनका जो मुख्यमंत्री पर दबाव था उसने चीज़ों को जो दिशा दी और उसके बाद जिस ढंग के असंतुष्टि का भाव लोगों में बढ़ा तो एक बड़ा गुट कांग्रेस का जो है कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में चला गया हमारे बड़ा नुकसान था और उसके बाद पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो मुझे एक नई चीज जो दिखाई दी कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी की तरफ से जो फंडिंग की मदद मिलती थी उसमें हम भाजपा की तुलना में कहीं टिकी नहीं पा रहे थे सत्ता में होने के बावजूद तो एक जो कांग्रेस और भाजपा का अंतर है वो ये है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो कांग्रेस काम करती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो धन उगाई करते और इसका प्रम, प्रमाण यह है कि आज उनका दिल्ली में सेवन स्टार ऑफिस है उनका पूरे आज़ादी से लेकर के अब तक बारह सालों में बारह सालों में सत्ता में रहने का इतिहास है सात उनके जिला और क्षेत्रीय दफ्तर हैं कांग्रेस का अभी तक साठ साल राज करने के बाद जो है जिला कार्यालय नहीं है अधिकांश जिलों में ब्लॉक की बात तो बहुत दूर की गई हमारा जो दिल्ली चौबीस अकबर रोड का कार्यालय है वो भी अस्थाई कार्यालय नहीं है तो कांग्रेस ने अपनी चिंता नहीं की कांग्रेस ने देश की चिंता की ऐसे ही उत्तराखंड में हरीश रावत जी ने तीन साल में केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ जिस ढंग से इक्कीस किस्म की पेंशन शुरू करके पलायन रोकने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के साथ गरीब का बच्चा भी भूखा न सोए वो बेहतर रोटी खा सके उस दिशा में प्रयास किया ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी तो लोगों ने समझा ये तो सरकार को करना ही था और उन्होंने कभी पैसा बटोरने की कोशिश नहीं की तो उसका परिणाम है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो धनबल के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने नहीं टिक पाए ये एक बड़ा कारण था उसके अलावा दूसरी जो मुझे गलती दिखाई देती है कि प्रशांत किशोर को जो हमने चुनाव की यहाँ पर बागडोर दी जो उत्तर प्रदेश में हमारा काम ठीक से नहीं कर पाया वो मैं उस फैसले से आज भी सहमत नहीं और मैं उस दिन भी सहमत नहीं था उसको जो हमने डाटा दिया मुझे इस बात का जानकारी है कि जो नंबर दस हज़ार से अधिक नंबर हमने प्रशांत किशोर को उपलब्ध कराए उन नंबरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जब फोन गए तो तब मैं चौंका कि हमसे बड़ी चूक हो गई वो एक दूसरा बड़ा कारण था कि आज हम ग्यारह के उसमें हैं लेकिन इन तीन साढ़े तीन साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों को छलने का काम किया तो अब देखें अब 2022 दो हज़ार बाईस में परिणाम कुछ और होंगे और मेरा आपसे ये भी मेरा आकलन रहा कि जो दो हज़ार सत्रह में टिकट वितरण हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो गई कि जो दो हज़ार सत्रह में कहीं जगह से किसी को टिकट देनी थी दे दी कहीं सी और को वो भी नुकसानदायक रहा वरना आप लोग फ्रंट फुट पे थे जब हरीश रावत जी के एम बीजेपी में चले गए तो जनता में कांग्रेस के प्रति रुख था लेकिन चुनाव आते आते वो रुख पलट गया तो क्या टिकट वितरण की भी मिस्टेक आप मानते हैं नहीं देखिए एक जो बड़ी चूक है वो ये है कि जब राष्ट्रपति शासन के बाद सरकार की बहाली हुई उस समय जो जनता के मन में कांग्रेस के प्रति सद्भावना थी हमने उस मौके को कैश करने की में चूक की अगर उसी समय सारा मंत्रिमंडल फैसला लेकर के सरकार को डिसॉल्व करने के बाद चुनाव में जाते तो जो संख्या बल आज भारतीय जनता पार्टी के पास है वो संख्या बल कांग्रेस के पास होता वो चूक का खामियाजा है टिकट वितरण की बात तो बहुत बात है उसमें कुछ जगह जब टिकट बटते हैं तो दबाव में मेरा तेरा में सिफारिश में ये चूक हमेशा होती हैं फिर भी पार्टियाँ चुनाव जीतती और सरकार बनाती है और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में रही बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर रही तीस रुपये पंद्रह रुपये बीस रुपये भी अगर एल के सिलेंडर का रेट बढ़ जाता था तो कांग्रेस बीजेपी के नेता आक्रामक हो जाते थे लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं जवाबदेही फिर विपक्ष के सर पे डाल रही है छः साल सत्ता हो गए बीजेपी को केंद्र में सत्ता का सुख भोगते भोगते तो आपका क्या कहना है आपका इस विषय पर क्या कहना है देखिए आप जानते हैं कि इस देश में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी जी और राजीव गांधी जी ने जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देश में जब लाया कंप्यूटर को लाया तो आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर लोकसभा में जाकर के उन्होंने इसका विरोध किया कि साहब देश में रोजगार की समस्या हो जाएगी आज यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सारा तंत्र है देश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है और हम उसको नहीं बुना पा रहे हैं हम 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि पैसे का उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें उस करके सोशल मीडिया का पूरे देश में दुरुपयोग करके कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की छवि बिगाड़ने का काम किया तो उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा हम अभी भी सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की बराबरी में जहाँ तक तो ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से बात करने की बात है तो हम उनसे कई कदम आगे हैं लेकिन जो लोगों को गुमराह करने का गलत तरीके से सूचनाएं प्रचारित प्रसारित और झूठ फैलाने का काम है उस पर हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे हैं ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है और उसकी वजह से ये कलयुग है हम उसमें पिछड़ रहे हैं निश्चित रूप से मुझे मैं, मैं स्वीकार करता हूँ तो कहते ही हैं कि सठम साठ्यम समाचरित कांग्रेस पार्टी को एक मूर्ख को सबक सिखाने के लिए उसी के रास्ते पर चल करके उसको हराना पड़ेगा इस सिद्धांत पर कांग्रेस के नेताओं को सोचना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देश का आज अर्थतंत्र तबाह हो गया है देश आज जिस भुखमरी और बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है और राहुल गांधी जिस तरह से दिन रात इन सब चीज़ों पर चिंतन मनन करके सरकार को समझाने और चेताने का, का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी अपना जो आईटी का वो सेल है और जो हमारा प्रचार का तंत्र है अपनी बातों को मुखरता से रखने और सरकार की गलतियों को उजागर करने वाला उसमें सुधार करके अगले चुनाव में इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं बल्कि देश के पक्ष में आएगा आप उत्तराखंड के इतने पुराने राजनेता हैं आपने सब चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा है समझा है आपके हिसाब से उत्तराखंड जब से बना है सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहे देखिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इस राज्य को सबसे अनुभवी सबसे वरिष्ठ और सबसे जो प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में मिले वो पंडित नारायण दत्त तिवारी थे उनका जो पहली निर्वाचित सरकार थी उस निर्वाचित सरकार में उनका राज्य बनने के बाद जो नए राज्य को केंद्र से फंडिंग होती है अलग अलग मदों में सब्सिडाइज मद में और मदद के तौर पर जो होती है वो सारा पैसा उनके कार्यकाल में मिला तो मैं ये कह सकता हूँ कि नया राज्य बनने के बाद जो पहला पाँच साल एक निर्वाचित सरकार का था निर्माण के और विकास के काम का रिकॉर्ड स्थापित करने का काम तिवारी जी की सरकार ने किया लेकिन विपरीत परिस्थितियों में नरेंद्र नरेंद्र तिवारी जी के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी आए जब उत्तराखंड राज्य आपदा से जूझ रहा था यहाँ पर केंद्र में जो है कि कांग्रेस की सरकार जाने के कगार पर चली गई थी मोदी जी की सरकार थी मोदी जी की सरकार मोदी जी की सरकार आई मई में बीजेपी केंद्र में बीजेपी आई और जो केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए राज्य को केंद्र सरकार का यूपीए टू का कमिटमेंट था वो कमिटमेंट मोदी जी के आते ही पूरी तरह से खत्म हो गया तो विपरीत परिस्थितियों में जिस मुख्यमंत्री ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया हो और गैरसैन को राजधानी स्थापित करने के लिए वहाँ पर भवन निर्माण कराने का और एक ऐसा ढांचा खड़ा करने का काम किया हो कि कोई उसको उलट नहीं सकता तो वो मेरे ख्याल नज़र में सबसे सफल मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ हों और तब तो आदमी काम करके दिखाए उन्होंने गरीब के बारे में सोचा उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया और गैर को राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा काम किया तो मैं समझ सकता हूँ कि तिवारी जी और हरीश रावत जी दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि पहले व्यक्ति ने राज्य का चौहमुखी विकास की दिशा में बुनियाद रखने का काम किया तो दूसरे व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में अपने को सफल साबित करके दिखाया वो अलग बात है कि दोनों के कार्यकाल के बाद हम चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि हम लोगों ने हकीकत में धरातल पर काम किया लोगों को गुमराह नहीं किया और आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो निर्माण हुआ उसका मेन जो दो समस्याएं थी वो पलायन और बेरोजगारी थी सरकारें बदलती गई मुख्यमंत्री बदलते रहे लेकिन जनता को पलायन और बेरोजगारी से अभी तक निजात नहीं मिली तो आपका क्या कहना है कि कमियां कहां रह गई और कोई फॉर्मूला हो आपके पास जिससे हम इन दो समस्याओं से उत्तराखंड राज्य उभर पाए मैं राज्य निर्माण आंदोलनकारी भी हूँ बारह दिन उन्नीस सौ में मैनपुरी जेल में रहा और चिन्हित आंदोलनकारी हूँ तो उस समय जो हमारे मन में भावनाएं थी कि राज्य हम क्यों मांग रहे हैं आज जो धरातल पर सरकारें काम कर रही हैं वो उन भावनाओं से कहीं ना कहीं विपरीत दिखाई देता और वो हमारे लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से हट करके जब एक नागरिक के रूप में एक आंदोलनकारी के रूप में हम सोचते हैं तो लगता है कि क्या राज्य बना करके हमने ठीक किया जब हम भौतिक विकास की बात करते हैं हम सड़कों की स्कूल की अस्पताल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की तुलना में हमने कई गुना ज़्यादा तरक्की की लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं हम पलायन की बात करते हैं एक पलायन तो वो है जिसकी सख्त ज़रूरत है कि जिसमें योग्यता प्रतिभा है उसको बाहर निकल कर के ही उस प्रतिभा को निखारने और उसको अपने को साबित करने का मौका मिलता है उसको अगर हम रोकेंगे तो हम उस प्रतिभा को मारेंगे लेकिन ऐसे लोग जो प्रतिभावान नहीं है और जिनको अपना परिवार के भरण पोषण के लिए रोज़गार चाहिए आज कोविड 19 के बाद जो लॉकडाउन देश में लगा तो पाँच लाख लोग बेरोजगार हुए जो ऐसे अस्थायी नौकरी वाले थे और जो अल्प वेतन भोगी थे और वो आज राज्य के सामने समस्या है कि उन उनका तो रिवर्स प्लाइन तो हो गया घर में लेकिन उनको रोजगार कैसे देंगे कहाँ से देंगे मनरेगा में जो राज्य में दो सौ करोड़ का बजट है उसमें जो श्रमिक परिवार के रूप में रजिस्टर्ड परिवार है मनरेगा श्रमिक के तो एक परिवार को औसतन सत्रह दिन का काम मिल पाएगा उससे गुजारा होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी ने अभी 110 करोड़ रुपए जो जारी किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पे प्रवासियों को स्वरोजगार देने के लिए मैंने उसका हिसाब लगाया तो अगर सभी लोग जो पाँच लाख है उनमें से ढाई लाख वापस भी चले जाएंगे और ढाई लाख के हिस्से उसको लगाओ सात हज़ार तीन सौ कुछ रुपए आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वरोजगार की दिशा में सरकारें कितनी चिंतित हैं मैं देख रहा हूँ हमारे राज्य में उद्योग धंधे बहुत लगे तिवारी जी के टाइम लगे उसके बाद भी लगे आ, ये मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि हमने इन्वेस्टर समिट करके कुछ लोगों को बुलाया लेकिन हकीकत में उन उद्योग धंधों में राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिले हमने अपने राज्य की आई को आधुनिकीकरण नहीं किया उस दिशा में काम नहीं किया तो हम बेहतर स्किल डिलीवर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर उनको रोज़गार मिलेगा कैसे चपरासी चौकीदार और सुपरवाइज़र या बाबू कितने लोग लग सकते हैं वो एक सीमित संख्या है वहाँ पर स्किल डिलीवर चाहिए जिसको तैयार करने का काम हम राज्य नहीं कर रहा है हमने बी टेक एम टेक बी बी एम बी ए जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्री वाले कॉलेज खोल दिए उनके लिए हमारे पास रोज़गार के अवसर नहीं है हमारे पास रोज़गार के अवसर जो है स्किल्ड लेबरशिप में बहुत हैं सेमी स्किल्ड लेबरशिप में बहुत हैं और उसके अलावा हमने अपने नौजवानों को छोटी छोटी ट्रेनिंग देकर के स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने की दिशा में भी मोटिवेशन का जो काम था उनको एजुकेट करने का काम था उनको फैसिलिटेट करने का काम था उस पर अच्छा काम नहीं किया ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है और उसका परिणाम है कि फिर लोग घर से बाहर जा रहे हैं और रोजगार की दिशा में भाग रहे हैं उसके बाद आज कोविड में जो हालत हुई तो उससे सरकार को सबक लेना चाहिए डबल इंजन की सरकार इनके पास मौका है कि इसमें सुधार करें और विपक्षी नेता होने के नाते आप त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को कहाँ सफल मांगते हैं कहाँ असफल मानते हैं आपका आंकलन क्या है देखिए तीन साल और प्रदेश में विकास का पहिया पूरी तरह से जाम है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नाम पर राज्य में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है शराब खनन का अवैध कारोबार चरम पर है और मुख्यमंत्री की विधानसभा में उनकी नाक के नीचे अगर होता है तो फिर किस सरकार की सफलता की बात करें जो सरकार रोजगार देने के बजाय मोबाइल बैन पर शराब बेचने बेचना अपनी प्रतिबद्धता समझती हो तो उस सरकार को कैसे एक अंक भी दे सकते हैं और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है कैसे सफलता मिलेगी देखिए अब चुनाव का समय बहुत नज़दीक है पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की एकता कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी को ताकत देगी और उसके साथ अब से कार्यकर्ताओं को लगातार अगर हम जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस के क्रियाकलाप कांग्रेस की रीति नीति और हमारी भविष्य की कार्य योजना का संदेश देने का काम करें तो निश्चित रूप से हमको अच्छी सफलता मिलेगी और अगर हम इस भरोसे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल है और हम इसलिए सफल होंगे तो ये सफलता का मंत्र नहीं और अंतिम जो मेरा आपसे प्रश्न रहेगा वो ये है कि आपका जनता को क्या संदेश है आने वाले समय के लिए मैं उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय पूरा प्रदेश जिस संकट की घड़ी में है राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों को अपने जो प्रवासी आए हैं जो बेरोजगार हैं उनका मनोबल बढ़ा करके जिन जो कोरोना से संक्रमित हैं उनको घृणा की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना है बल्कि उनको ढाढ़स देना है उनको धीरज बनाना है उनका मनोबल बढ़ाना है और उनको ये शिक्षा देनी है कि धरती माँ अपने बेटों को कभी निराश नहीं कर सकती जो लोग तुम बाहर से आए हो आओ आपका स्वागत है इस धरती माँ को प्रणाम करो और यहीं से अपने नए काम की शुरुआत करो तो निश्चित रूप से धरती माँ रास्ता दिखाएगी खेती से जुड़ करके हम उसके साथ साथ जुड़े हुए दूसरे तीसरे जो स्वरोजगार के काम हैं उनसे एक बार इस प्रदेश को पलायन के दाग से बाहर निकाल करके और फिर इस धरती को गुलजार करने का काम करें और यहीं पर अपना रोज़गार ढूंढ करके अपने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने स्टाइल के अनुरूप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बेबाकी से अपनी बात रखी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद धन्यवाद जी नमस्कार